यूँ तो मच्छर के काटने से सभी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। वो नींद ख़राब कर देता है रात की और उसके काटने से कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मच्छर भी कुछ खास लोगों को काटते हैं, हर किसी को नहीं काटते, क्योंकि वो अलग तरीके के कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनका निशाना कुछ खास लोग ही बनते हैं। लेकिन आपको बता दें, मच्छर के काटने से कई बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू आदि हो जाता है और ये काफ़ी ख़तरनाक है। मच्छरों से बचने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। कुछ लोग को कहते सुना होगा कि कुछ ज़्यादा ही मच्छर काटते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बात सच है कि कुछ लोगों को ज़्यादा काटते हैं और कुछ को कम। वो बता दें कैसे। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान को नर मच्छर नहीं केवल मादा मच्छर ही काटती हैं। मादा मच्छर को प्रजनन के लिए कुछ पोषक तत्वों का आवश्यकता होती है। मादा मच्छर इंसान के खून से पोषक तत्व लेने के बाद प्रजनन करती हैं। मादा मच्छर अपनी महसूस करने की क्षमता यानी सेंसिंग ऑर्गेनस से गंध को पहचान लेती हैं। सांस को छोड़ते समय निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस से मच्छर तेज़ी से आकर्षित होते हैं, इसलिए सांस छोड़ते समय इंसानों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक कुछ गंध से मच्छर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। इंसान के शरीर का तापमान बढ़ने से जब बैक्टीरिया उत्पन्न होता है तो शरीर में गंध आने लगती है। यही कारण होता है कि मच्छर आपसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। तो वहीं ये बात भी सुनकर आपको हैरानी होगी कि पसीना आने पर शरीर में यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और अमोनिया जैसे तत्व निकलते हैं। इनकी गंध से तेज़ी से मच्छर पास आते हैं। जापान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध के अनुसार ओ ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि इनका खून ही कुछ इस प्रकार से होता है कि हर किसी के लिए काम आ जाए। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है उन्हें मच्छर ओ की तुलना में कम काटते हैं, तो वहीं बी ग्रुप वाले लोगों को मच्छर सामान्य तौर पर काटते हैं जब भी उन्हें मौका मिल जाता है काटने का। तो दोस्तों, ये है कुछ खास लोग जिनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं। मच्छर से बचने के अपने ही कुछ उपाय हैं जिनके लिए हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए वही सारी जानकारियाँ कि मच्छर के काटने से आप कैसे बच सकते हैं, मच्छर आपको ना काटे इसके लिए आप क्या इलाज करें, और मच्छर अगर आपको काट ले तो सबसे पहला काम क्या है जो आपको करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद दोस्तों।